A very good morning, dear students. Today we move on to further theory, और आज हम various types of items पढ़ने वाले हैं, which you will find in NPO accounts, और हम उसका meaning समझ के लेंगे, plus accounting treatment समझ के लेंगे. Then we are going to move over to incomes, expenses, उसके complications, opening, closing, outstandings क्या होते हैं and what not, and we will move over to big questions. ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स का मीनिंग समझ में आएगा जो आप हर दिन एनपीओ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे. तो दीज आर स्पेशल आइटम्स एवरीवन. सबसे पहले तो एंट्रेंस फीस क्या होती है. तो एंट्रेंस फी आर नथिंग बट वन टाइम फीस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. तो एंट्रेंस फी सारे मेंबर्स जब आपके क्लब में एंट्री करते हैं तब आपको पे करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली. आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ और ये जरा लिख के लो. तो स्टूडेंट्स जो भी आइटम्स कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर आइटम्स. ओके, सो कैपिटल नेचर आइटम्स मतलब कि वन टाइम. अब जब मैं बोलता हूं वन टाइम, इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी में एक ही बार करना है, मतलब वंस इन कपल ऑफ इयर्स. ओके, सो कैपिटल आइटम्स इसका वन टाइम इफेक्ट होता है और कैपिटल आइटम्स को हमेशा आप बैलेंस शीट एसेट या लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हो. करेक्ट. और दूसरे आइटम्स कौन से होते हैं मेरे को बताना. रेवेन्यू. यही अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो रिकरिंग नेचर के होते हैं. और ये रिकरिंग नेचर के आइटम बोलो कहां पे रिकॉर्ड होते हैं. दे आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. ये स्टूडेंट स्टॉक मार्जिन पे कैपिटल आइटम्स वन टाइम, बैलेंस शीट एसेट साइड और लायबिलिटी साइड. अगर डोनेशन फंड्स है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड फंड्स में, और अगर आप एसेट्स खरीदे तो बैलेंस शीट एसेट साइड. और जो रेवेन्यू आइटम होते हैं ये डे टू डे इनकम और एक्सपेंस होते हैं, रिकरिंग होते हैं. हर दिन आपको ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. दिस विल गो टू योर आईएनडी अकाउंट. दिस पर्टेन टू 12 मंथ्स. और कैपिटल आइटम बियॉन्ड 12 मंथ. सही बात है कि नहीं. यस नहीं, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं. क्या लिख दूंगा. कैपिटल आइटम मोर देन 12 मंथ्स. और रेवेन्यू आइटम क्या होते हैं. लेस देन 12 मंथ्स. एम आई राइट. ठीक है कि नहीं एवरीवन. सो अप टू 12 मंथ्स रेवेन्यू और 12 मंथ्स के आगे कैपिटल. याद रखना. चलो तो वापस से जा रहे हैं हम एंट्रेंस फी पे. तो मुझे बताओ एंट्री फी कितनी बार देते हो आप. 2000 टाइम एंट्री करते हो क्लब में. नो, एक बार एंट्री की तो मेंबर बन जाते हो ना भाई फॉर लाइफ टाइम. सो इट इज वन टाइम फी. सो टेल मी इसको कहां पे हम करेंगे. इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, मतलब कि कैपिटल फंड या स्पेशल फंड में डाल देंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाबा ये नॉन रेकरिंग है, या तो फिर आपके क्लब का पॉलिसी है कि भाई ये नॉन रेकरिंग इसको ट्रीट करना है, तो यू कैन ट्रीट इट एज रेवेन्यू आइटम. मीन्स यू कैन टेक इट टू आईएनडी अकाउंट. क्वेश्चन में दिया होता है, डोंट वरी. लाइफ टाइम मेंबरशिप फी. लाइफ टाइम मतलब कि हर दिन पे करते हैं. नो हो, वंस इन लाइफ टाइम. अगेन इट इज टू बी कैपिटलाइज, मतलब कि इट इज टू बी टेकन टू कैपिटल फंड. ओके, मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन. तो ये देखो, लुक एट दिस चार्ट नाउ. तो जो मेंबरशिप फी है ये या तो लाइफ टाइम हो सकती है या एनुअल हो सकती है. तो स्टूडेंट्स मुझे बताना लाइफ टाइम मतलब कि क्या. एक बार देना है विच इज नॉन रिकरिंग कैपिटलाइज, और उसको कैपिटल फंड में आप क्रेडिट कर दोगे. ऑलराइट. और जो मेंबरशिप फीस एनुअली हम रिसीव करते हैं, ऑफकोर्स 12 मंथ्स वाले जो भी इनकम एक्सपेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम. रेकरिंग बार बार आपको मिलेगा. दिस इज अ रेवेन्यू आइटम और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री. बैंक और कैश अकाउंट डेबिट. मेंबरशिप फी अगर लाइफ टाइम है तो कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल फंड क्रेडिट. और अगर एनुअल है तो बार बार एक्रू होती है आईएनडी क्रेडिट. ठीक है, इजी है कि नहीं. ये सब लिख के लेना है आपको. ये एक एक स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यू हैव टू हिट द पॉज बटन एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन. तो ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं 20-25 मिनट्स का, ये 20-25 मिनट्स का नहीं है, ये 2 घंटे का लेक्चर है. लिख के लो स्टूडेंट्स वर्ड टू वर्ड. डोनेशंस एवरीवन. नाउ डोनेशंस आर नथिंग बट चंदा जो हमें पूरी सोसाइटी देती है. सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमें हेल्प करने के लिए, हम पूरी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं. सो डोनेशन कुड बी फॉर मीटिंग कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, तो डायरेक्टली मैं मेरे चार्ट में जा रहा हूं और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे. सुन लो एवरीवन. तो यार ये जो डोनेशन होती है ना, ये डोनेशन 2 तरीके की हो सकती है. सबसे पहली वाली तो डोनेशन होती है कैपिटल नेचर की. स्टूडेंट्स अटमोस्ट फोकस. ओके, ओवर हियर अटमोस्ट फोकस. या
तो सबसे पहली डोनेशन डियर स्टूडेंट्स कौन सी हो सकती है? कैपिटल नेचर के। सर हमें कैसे पता डोनेशन कैपिटल नेचर की है? एग्जाम में दिया होगा। सर रियल लाइफ में कैसे मालूम कि डोनेशन कैपिटल नेचर की है? या तो आपकी पॉलिसी होगी कि उसको कैपिटलाइज करना है, या तो फिर जो इन्वेस्टर है, आई एम सो सॉरी, जो डोनर है, जो डोनर हमें पैसा देता है वो बताता है कि उसका क्या करना है। ओके, सो कैपिटल नेचर में भी दो टाइप की डोनेशन हो सकती है। एक तो डोनेशंस होती है जस्ट फॉर कैपिटल पर्पस, मतलब कि आप इसका लैंड बिल्डिंग खरीदोगे या तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करोगे या जो ट्रस्टीज है वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि ये 10 लाख रुपी ऑफ डोनेशन हम सेट असाइड कर रहे हैं और इससे हम कल गुरुद्वारा बनाएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, तो ये कैपिटल पर्पस की डोनेशन नॉन रिकरिंग होती है, इसको कैपिटलाइज करना है। और कहां पे कैपिटलाइज करना है बोलो? कैपिटल फंड में। और कैपिटल फंड ये जनरल फंड होता है और इसको आप कोई भी कैपिटल नेचर के खर्चे के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हो गए जनरल फंड या कैपिटल फंड वाले कैपिटल डोनेशंस, एग्जाम में ठीक से दिया होगा। स्टूडेंट्स कैपिटल डोनेशन में एक दूसरे टाइप का डोनेशन आता है विच इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तो ये सारे डोनेशंस देते टाइम जो डोनर होता है, ओके, इमेजिन कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अच्छे से पैसा कमा रही है, तो उन्होंने हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट को आके डोनेशन दिया और उन्होंने ये देखा कि जो डॉग्स है, डॉग्स बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स है जिनका एक्सीडेंट होता है या जो भूखे हैं या तो फिर किसी पर्सन ने उनको हार्म किया हुआ है जानबूझ के, तो स्पेशली डॉग्स के लिए एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऐसा डोनेशन मिला है। तो ये कंपनी ने 50 लाख रुपीज हमें दिया और बोला है कि ये डोनेशन का सिर्फ वेटरनरी हॉस्पिटल डॉग्स के लिए बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पैसा है 50 लाख, इसको ईयरमार्क करेंगे इनटू अ स्पेशल फंड। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पेशल फंड। इसको हम बोलेंगे हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर डॉग्स। ओके, वैसे ही कुछ लोग डोनेशन कर सकते हैं प्लेग्राउंड के लिए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाओ, बच्चों के लिए लैबोरेटरी बनाओ, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाओ, उनको ओलंपिक्स के लिए आप ट्रेन करो। ये गरीब बच्चे हैं जिनको अच्छे से स्विमिंग आती है, नाले में नदी में स्विमिंग करते हैं, इनको ओलंपिक पूल में स्विमिंग कराओ, ओलंपिक चैंपियंस इनको बनाओ। तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ने, कोई ट्रस्ट ने डोनेशन दिया है, ऐसा हो सकता है, करेक्ट? ऐसे बहुत टाइप के फंड्स हो सकते हैं एवरीवन, इसको हम बोलते हैं स्पेशल फंड। स्पेशल फंड हो या कैपिटल फंड हो, दोनों ही कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाता है। ओके एवरीवन, तो जरा स्पेशल फंड की बात करते हैं। तो जो भी पैसा, जो भी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक कैपिटल पर्पस है, जैसे कि बिल्डिंग बनाओ, टेम्पल बनाओ, प्लेग्राउंड बनाओ, बच्चों के लिए लैबोरेटरी बनाओ, तो ये सब स्पेशल फंड में जाएगा। दीज आर नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब बार बार नहीं मिलेगा आपको, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है। इसको कैपिटलाइज करना है, बिल्डिंग टेम्पल फंड में आपको क्रेडिट करना है, स्पेशल फंड में आपको डालना है। इजी। तो ये सारे हो गए कैपिटल डोनेशंस। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ओवर टू डोनेशंस फॉर एक्सपेंसेस। अब ये होते हैं रिकरिंग डोनेशंस। रिकरिंग डोनेशंस मतलब कि क्या? मतलब कि जनरली बहुत सारी कंपनीज प्लेज करती है कि यार ये चैरिटी को हम हर साल डोनेट करेंगे, जैसे कि हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर्सनली भी करता हूँ, एडवर्ड अकेडमी भी करती है। तो एवरीवन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम कमिटमेंट करते हैं कि लेट अस से कि हर गणेश उत्सव में हम आपको 20,000 रुपी डोनेशन करेंगे, जैसे कि हर स्कूल ईयर में हम आपको 30,000 डोनेट करेंगे, 40,000 डोनेट करेंगे, जिससे आप बच्चों के स्कूल बैग्स खरीद सकते हो, राइट? हम लोग काफी बार नोटबुक्स डोनेट करते हैं, तो हमारा कमिटमेंट होता है ऑर्फेनेजेस को कि आप यू डोंट वरी अबाउट द नोटबुक्स फॉर द स्कूलिंग ईयर, वी विल प्रोवाइड यू विद द नोटबुक्स। ओके, सो दोज आर डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस। अब ये डोनेशन छोटे अमाउंट का होता है, बहुत सारे लोग देते हैं और इससे आप डे टू डे खर्चा करते हो। ये डोनेशन शुड बी मैच्ड एज पर मैचिंग कंसेप्ट विद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। तो आपको डोनेशन रिकॉर्ड करना है इनकम साइड पे ताकि वो नॉक ऑफ हो। इमेजिन कि आपको डोनेशन मिल रहा है 30,000, आपने खर्च किया 29,000, तो 1,000 सरप्लस होना चाहिए। इसी के लिए वो दोनों आइटम आईएनडी अकाउंट में जाने चाहिए, ना कि बैलेंस शीट में। ओके, सो दीज आर फॉर रिकरिंग आइटम्स, दीज आर ऑफ रेवेन्यू नेचर, दे मस्ट गो टू आईएनडी क्रेडिट। सो टेल मी, कैपिटल डोनेशन कहाँ जाता है? कैपिटल फंड क्रेडिट साइड और स्पेशल फंड क्रेडिट साइड। और डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस कहाँ पे जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके, काफी आसान था। क्वेश्चन में दिया होगा डोनेशन कहाँ पे जाएगा, डोंट वरी। मैं मेरी आदत है बहुत डिटेल में सिखाने की, बट यू आर जस्ट इन 12th स्टैंडर्ड, सो इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ नहीं सकता। लेगेसी एवरीवन, काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ, जब पर्सन मर जाते हैं तो उनके विल के तहत डोनेशंस मिलती है एनजीओ को, उसको हम बोलते हैं लेगेसीज। ओके,
ये जो लेगेसीज होती है ये वन टाइम होती है, क्योंकि पर्सन एक ही बार मरता है, राइट एवरीवन, एंड देयरफॉर इट शुड बी टेकन टू कैपिटल फंड। बट अगेन आपकी जो एनजीओ है उसकी एक पॉलिसी हो सकती है कि यार जो भी लेगेसी आ रही है उसको आप एक पर्टिकुलर पार्ट आईएनडी अकाउंट में ले लो। एंडोमेंट्स एवरीवन, तो एंडोमेंट्स ये स्पेशल डोनेशंस होती है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डोनर, एंड दीज आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। स्टूडेंट्स ये ना अलग अलग नाम है डोनेशंस के, बाकी कुछ नहीं है, सो डोंट वरी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लाइफ टाइम मतलब कि आपको कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है। मूविंग ओवर टू सब्सक्रिप्शंस, ओ सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। ये हर क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल एंड व्हाट नॉट। सो सब्सक्रिप्शन क्या होती है, डू नॉट कंफ्यूज इट विद मैगजीन सब्सक्रिप्शन। हमें क्या लगता है, हम बच्चों को हम सब्सक्रिप्शन वर्ड नहीं सुनते ना, तो हमें क्या लगता है भाई मैगजीन सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। नो नो नो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मतलब कि मेंबरशिप फीस होती है। ओके, तो ये एनुअल बेसिस पे आपको मिलती है और इसको हमेशा हम रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करते हैं, मतलब कि हम इसको आईएनडी अकाउंट में लेते हैं। ऑलराइट, सम अदर फंड्स, सम अदर आइटम्स, कैपिटल फंड तो मैंने आपको बता दिया, कैपिटल फंड इज नथिंग बट इक्वेलेंट टू कैपिटल अकाउंट। सारे डोनेशंस जो कैपिटल नेचर के होते हैं इसको हम कैपिटल फंड में ले लेते हैं। कैपिटल फंड का दूसरा नाम है जनरल फंड, इज इट एब्सोल्युटली ओके। देन स्पेशल फंड एवरीवन, तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड, प्लेग्राउंड फंड, गार्डन फंड, टेम्पल फंड, हनुमान जी का मंदिर फंड, गुरुद्वारा फंड एंड वॉट नॉट। समटाइम्स डोनेशंस आर रिसीव फॉर स्पेसिफिक कैपिटल एक्सपेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड, टेम्पल फंड, प्लेग्राउंड फंड, गार्डन फंड, स्विमिंग पूल, लैब, लाइब्रेरी। तो जनरली जो बड़े बड़े डोनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, तो ये लोग वैसे टाइप के डोनेशंस करते हैं और बताते हैं कि यार ये देखो ये सोसाइटी में ना, ये लोकेलिटी में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, तो लाइब्रेरी नहीं है उनके लिए, तो लाइब्रेरी बनाओ। जैसे कि अभी मेरे पास कोई आया और किसी ने बोला कि मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे डोनेट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एरिया में, कोथरूड में, करवे नगर में, और ये बच्चों के पास पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के लिए, बच्चों के पास जगह नहीं है बैठने के लिए, घर बहुत छोटे छोटे हैं, घर पे सब लोग टीवी और मोबाइल लगा के टाइम पास करते हैं। सो लाइब्रेरी बनाओ, वहां पे रीडिंग रूम रखो, तो ये बच्चों को वहां से फायदा होगा, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर आइडियोलॉजी। एवरीवन मूविंग ओवर टू सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब सिंकिंग फंड मतलब डूबता हुआ फंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंकिंग फंड मतलब कि स्पेशल पर्पस फंड, ओके। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो फंड का जो भी पैसा आता है उसको आप एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि वो पैसा ग्रो हो, मल्टीप्लाई हो। ऑलराइट, नाउ सिंकिंग फंड इज अ फंड इन विच यू इन्वेस्ट मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मान लो कि आपने और मैंने मिलकर एक एनजीओ बनाई, हम लोग सक्सेसफुल सीए सीएस और कॉमर्स एक्सपर्ट्स है, और एवरीवन हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया है कि क्योंकि हमारे पास मनी है, व्हाई नॉट टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। और जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती या जिनको मोटिवेशन नहीं मिलता, या तो हम जब बड़े होंगे वो टाइम पे लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे पढ़ाई होगी तो वो मशीन्स नहीं है उनके पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी एनजीओ खोल के उसमें 50 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब 50 लाख रुपया तिजोरी में डाल दोगे क्या, कैश में डालोगे? वो जो कैश है वो आगे बच्चे देता है क्या 1 साल के बाद? नो, हम उसको क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, हम उसको पेंशन फंड्स में डालेंगे, हम उसको वेरियस इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स में डालेंगे, हम गोल्ड फंड्स में डालेंगे उसको, राइट एवरीवन, हम एफडीज करेंगे उसकी। तो ये जो सब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इट इज ओनली टू गिव प्राइज एंड स्कॉलरशिप, ओके। तो इसको हम बोलेंगे सिंकिंग फंड। तो जो पैसा हम डालते हैं, जो फंड कैपिटल फंड हम बनाते हैं, उसकी जगह पे हम सिंकिंग फंड बनाएंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड, लेट अस से फॉर 9 लाख रुपए यहाँ पे एग्जाम्पल में, एंड इट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग एसेट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 9 लाख। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि अकाउंट्स में हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं। इसका ये मतलब है कि लाइबिलिटी में सोर्स ऑफ फंड आता है, पैसा कहां से आया, और एसेट साइड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसे को कहां यूज किया। तो जो 9 लाख लाइबिलिटी है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैश 9 लाख ना, तो वो कैश को आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है, 9 लाख की 10 लाख होगी तो आपका सिंकिंग फंड का बैलेंस भी 10 लाख हो जाएगा, तो वो दोनों काउंटर बैलेंस होते हैं, ये काउंटर बैलेंसिंग लेजर होते हैं। बट 12th के एग्जाम्स में ये नहीं आते, ये थोड़े से एडवांस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीएसीएस के कुछ नोट्स में से मैंने यहाँ से पुल आउट किया हुआ है। ऑफकोर्स आई एम अ सीएसीएस टीचर, तो थोड़ा सा नॉलेज आपको मैं वहां से भी देने की कोशिश करूंगा, राइट। तो दैट इज सिंकिंग फंड, ऑनरेरियम, आई लव दिस वर्ड, ओके। सो ऑनरेरियम इज अ फैंसी वर्ड फॉर फीस, ओके। तो होता ये है कि हमारे एनजीओ में बहुत सारे फंक्शंस और सेमिनार्स होते हैं जहां पे बड़े बड़े चीफ गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े सर्जन आते हैं, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती है,
देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलते हैं, नॉलेज देते हैं, बहुत पूरी सोसाइटी को फ्री में पीडीएफ और नोट्स देते हैं, पूरी सोसाइटी को नॉलेज देते हैं, वेबिनार्स रखते हैं। तो यार जब हम बड़े बड़े हस्तियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, चीफ मिनिस्टर आ गए, तो उनका सत्कार करना है ना भाई। तो सत्कार करते टाइम उनको नॉरियल और शॉल के साथ जो चेक देते हैं हम 50,000 1 लाख रुपए का, उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। ऑनरेरियम आर फीस पेड टू प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लेक्चरर्स एक्सेट्रा फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू एनपीओस और एनजीओस। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगेन स्टूडेंट्स, मैं 12th से थोड़े से ऊपर लेवल पे जा रहा हूँ, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। जो आईएनडी अकाउंट होता है, आईएनडी अकाउंट, उसमें हम वर्ड प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो आपकी एनजीओ है या एनपीओ है उसके अंदर आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, इट इज चैरिटेबल एंड इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, राइट? बट इमेजिन करो कि हमारा एक क्लब है, ओके, जैसे कि पीवाईसी क्लब है। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ पीवाईसी, बट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा, इज अ मेंबर ऑफ, लाइफ टाइम मेंबर ऑफ पीवाईसी क्लब। तो पीवाईसी क्लब में कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी है, लाइक व्हेन यू आर माय एज, व्हेन यू आर मैच्योर्ड, यू मे हैव अ टेस्ट फॉर वाइन एक्सेट्रा। तो मैं कभी कभी कुछ कुछ संडे अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, वहां पे हम वाइन पीते हैं थोड़ी सी। तो एवरीवन, जो वहां का एक बहुत ब्यूटीफुल बार उन्होंने बनाया हुआ है, वो बार में अगर बाहर के लोग आ रहे हैं, राइट, कुछ कुछ लोग जैसे कि गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, तो आई विल पे ऑन द काउंटर। इससे बहुत सारे कलेक्शंस आते हैं। वैसे पीवाईसी के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, आई थिंक 3 रेस्टोरेंट है उनके, तो रेस्टोरेंट में आउटसाइडर्स को भी एंट्री है। तो जो फ्रेंड्स है मेंबर्स के, तो फ्रेंड्स को पे करना पड़ता है, जो मेंबर्स हैं उनका बिल वो टैब पे डाल सकते हैं, या मेंबरशिप का उनका स्पेशल बिल होता है, राइट? तो एवरीवन, अगर हम ऑलरेडी हमने एनजीओ खोला हुआ है, एनपीओ खोला हुआ है, गोल्फ कोर्स है, बार है, रेस्टोरेंट है, या तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहां पे हम दूसरे लोगों को ग्राउंड रेंट पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। यस, यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। तो यू हैव टू ऑप्शंस इन केस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी जहां पे आप पैसा जनरेट कर रहे हो। नंबर 1, यू कैन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट इन एग्जाम, एंड नंबर 2, यू कैन जस्ट डू इनकम लेस एक्सपेंसेस आउटर कॉलम नेट प्रॉफिट। ओके, तो हमें 12th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। मैं थोड़े से एडवांस लेवल में सीएसीएस की क्लास के लिए आपको बता के रख रहा हूँ कि ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट हम बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारा रेस्टोरेंट है, लेट अस से कि हमारा रेडियो क्लब है, तो यार रेडियो क्लब में मस्त एकदम छोले भटूरे और यू नो चिकन तंदूर, ऐसे सब हम बनाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, इट इज वेरी वेरी पॉपुलर, बाहर के लोग बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एकदम 6-7 स्टार एम्बियंस होता है, नॉट 5 स्टार, 6-7 स्टार एम्बियंस होता है। ओके, हमारे रेस्टोरेंट का, तो हमारे रेस्टोरेंट में स्टूडेंट्स सेल कितना हो गया डिशेस का, 9,000 रुपी। उसमें से हमने जो रॉ मटेरियल फूड परचेज किया था वो कितने का था, 3,000। ध्यान से सुना, ये देखो, तो मैंने क्या किया है कि जो सेल्स है उसको मेरे रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर डाल दिया। तो सेल्स है 9,000 माइनस मेरा खर्चा कितना हो रहा है, 3,000 हो रहा है। तो एवरीवन, मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000। अब ये जो प्रॉफिट है फ्रॉम रेस्टोरेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये 6,000 प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ऐसा आप सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, बट 12th में इसकी कुछ जरूरत नहीं होगी। ये सीए फाउंडेशन में क्लास में हम पढ़ेंगे। मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, ये देखो, प्रॉफिट हमने 6,000 कमाया, तो प्रॉफिट मैंने उठा के कहां पे डाल दिया बोलो, आईएनडी अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट फ्रॉम रेस्टोरेंट ट्रेडिंग। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं एवरीवन, थोड़ा पेज है ना उसको जरा ब्लैंक कर दूंगा मैं। यस, ये देखो, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये है मेरा आईएनडी अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करेक्ट एवरीवन? तो आईएनडी अकाउंट में ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। तो व्हाट यू कैन डू, डायरेक्टली ऑन द क्रेडिट साइड यू कैन राइट डाउन बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रेस्टोरेंट। नीचे मैं लिखूंगा इनकम्स और रिसीट्स, बोलो कितना रिसीट्स आ गया था, 9,000 लेसे एक्सपेंसेस एट द रेस्टोरेंट, खाना वाना खरीदा, वेटर की सैलरी पे की कितना था वो, 3,000, आउचे कॉलम 6,000। आया क्या समझ में? सो इन बोथ द केसेस, आईएनडी अकाउंट क्रेडिट साइड आपने लिख दिया नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रेस्टोरेंट 6,000, आइदर यू कैन डू इनकम लेस एक्सपेंस, ये 12th में हम करते हैं, और यू कैन प्रिपेयर दैट ट्रेडिंग अकाउंट। ऑलराइट,
तो रेस्टोरेंट ट्रेडिंग, बार ट्रेडिंग, ये सब वर्ड सीए के हैं। तो सीए फाउंडेशन में आप ये देखोगे मेरे साथ, व्हेन वी गो टू सीए फाउंडेशन क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आगे जा रहा हूँ अभी, और ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो, अब कंसेप्ट का नाम है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ फॉन्ट को, सो दैट यू कैन सी द एंटायर थिंग इन वन ग्लांस। या स्टूडेंट्स, सो इनकम्स एंड एक्सपेंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बहुत बार हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपको दिखेगा कि उन्होंने रिसीट साइड दिया हुआ है सम आइटम लाइक सेल ऑफ टी, और पेमेंट साइड दिया हुआ है एक्सपेंसेस फॉर टी। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हमने एग्जीबिशन किया, एग्जीबिशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, वहां पे कोई स्पॉन्सरर कंपनी होती है बड़ी सी, वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, ऑर्गेनाइजर कंपनी, और हम एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल में हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आइडियोलॉजी हम लोगों को सेल करना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा हम स्टॉल बना सकते हैं और लोगों को इंफॉर्मेशन ब्रोशर दे सकते हैं। मान लो कि हमारा स्पोर्ट्स क्लब है और हम एनकरेज कर रहे हैं कि जो लड़कियां हैं उन्होंने भी क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलना चाहिए, तो गर्ल्स स्पोर्ट्स क्लब है, तो एनकरेज स्पोर्ट्स अमंग यंग गर्ल्स। तो हम लोग ने स्टॉल खोल दिया और हम सब वॉलंटियर्स हैं, तो हम लोग सब ब्रोशोर बांट रहे हैं और हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि अवार्ड्स है, अगर आप आओगे क्रिकेट टूर्नामेंट जीते, वी विल गिव यू 1 लाख कैश प्राइज एंड वॉट नॉट। तो हमने ना जो भी यंग स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उनके लिए टी मशीन लगा दी है। तो लोग आते हैं, चाय लेते हैं। अब देखो यार, चंदा करना है बट इतना भी नहीं करना कि हम लोग बैंकरप्ट हो जाए। तो हमने डिसाइड किया कि टी का 10 रुपया पर कप चार्ज करेंगे, बट टी मैन्युफैक्चर करने के लिए या जो टी का प्रीमिक्स है, चाय पत्ती एंड मिल्क विल्क वो सब लाने के लिए हमारा खर्चा पर कप हो रहा है 6 रुपया। तो पर कप वी आर अर्निंग 4 रुपीज ना एवरीवन। वैसे आजू बाजू के स्टॉल वाले भी वेंडर्स आ गए हमसे चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे हमने टी का सेल किया एग्जीबिशन में, आर यू विद मी, 3,000 रुपए का, और एक्सपेंसेस फॉर टी हमने कितना किया, 1,000 का कर दिया। सेल्स हमारा बहुत ज्यादा हो गया, एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000। तो ये इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डू नॉट रिकॉर्ड पेमेंट एज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, आपको आईएनडी अकाउंट इनकम साइड मतलब कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, बाय नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी, सेल ऑफ टी 3,000 इनर कॉलम, लेस एक्सपेंसेस फॉर टी 1,000 इनर कॉलम, आउटर कॉलम 2,000। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आई विल रिपीट अगेन, जो टी का खर्चा है ना उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि वो खर्चे को आपको नॉक ऑफ करना पड़ेगा फ्रॉम द रिसीट्स। राइट एवरीवन? मैचिंग कंसेप्ट, इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी शुड बी नॉक्ड ऑफ अगेंस्ट एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू अराइव एट प्रॉफिट फ्रॉम पर्टिकुलर एक्टिविटी। इससे डिसीजन मेकिंग ईजी होगा ना, इससे हमें समझ में आ रहा है कि यार चाय जब बेची थी तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया था, तो नेक्स्ट एग्जीबिशन में 2 चाय के हम छोटे छोटे मशीन्स लगा देंगे। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? चलो आगे जा रहे हैं अभी, एंड दैट्स इट एवरीवन। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट आइटम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल वी प्रिपेयर टू अर्न। ये थे सारे वो आइटम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर यू प्रिपेयर एनपीओ अकाउंट्स। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आगे के सेशन में बाकी का कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग ओवर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन एरिया, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग हियर। मैं अभी आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, जिस तरीके से मैं आपको लेजर्स बना के दे रहा हूँ, यू कैन यूज दैट टेक्निक ऑल्सो, एंड आई विल ऑल्सो टीच यू प्लस माइनस टेक्निक। इन ऑल HSC बुक ओनली प्लस माइनस टेक्निक इज गिवन, नॉट लेजर टेक्निक। बट मुझे ऐसा लगता है कि लेजर सीखने से आपका अंडरस्टैंडिंग 100% होगा एंड यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नंदलेस मैं आपको दोनों टेक्निक सिखा रहा हूँ, यू कैन स्किप द लेजर टेक्निक ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। ऑल राइट, बट ट्रू स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी हु वॉन्ट टू स्कोर 100/100, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वी आर नाउ मूविंग ओवर टू इनकम्स। इनकम को कैसे आपको ट्रीट करना है, इसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन या अकाउंट यूज करूंगा टू टीच यू द कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट में होता यह है कि इन द क्वेश्चन दे विल गिव यू टू फिगर्स, नंबर वन इज ओपनिंग फिगर्स एंड नंबर टू इज क्लोजिंग फिगर्स। ओपनिंग फिगर मीन्स लास्ट ईयर 31st मार्च फिगर्स,
एंड क्लोजिंग फिगर्स मीन्स दिस ईयर 31 मार्च फिगर्स। नाउ व्हाई आर दीज फिगर्स इंपॉर्टेंट एंड हाउ डू वी यूज देम इन एनपीओ, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट विद दिस, आई एम फर्स्ट गोइंग टू टीच यू इनकम्स में रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट। एंड एवरी वन प्लीज नोट डाउन वॉट आई एम शोइंग यू राइट नाउ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग फॉर करेंट ईयर। तो ये साल कितना इनकम आने वाला था? 5 रुपीज। बट कुछ लोगों ने हमें लास्ट ईयर ही वो 5 रुपीज ये साल का दे दिया। सो दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू करेंट ईयर 5 रुपीज। देन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर एंड इनकम फॉर द करेंट ईयर 10 रुपीज एंड रिसीव्ड इन एडवांस दिस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 7 रुपीज। एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट ईयर पिछले साल हमारे पास कुछ लोग आ गए, उन्होंने बोला दैट वी आर गोइंग टू गो बैक टू यूएसए और हमारे जो बच्चे हैं उनको स्विमिंग पूल फैसिलिटी आपकी यूज करना है, तो वी आर पेइंग यू नेक्स्ट 3 मंथ्स एडवांस। हमने बोला ठीक है, तो उन्होंने हमें एडवांस दे दिया 5 रुपया। दिस 5 रुपीज दे गेव लास्ट ईयर इट पर्टेन्स टू दिस ईयर। 10 रुपीज इनकम वी अर्न इन करंट ईयर एंड दिस ईयर वी रिसीव्ड 7 रुपी फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके तो स्टूडेंट्स, ये आइटम्स आपने लिख दिए, ठीक से लिखो हाँ, जैसे मैंने लिखा है। यूज हाफ पेज ओनली एंड राइट डाउन ओपनिंग एडवांस, करेंट ईयर इनकम एंड क्लोजिंग एडवांस, ऐसा लिखा सबने। अब इसका मीनिंग ये है दैट ₹5 इज इनकम ऑफ दिस ईयर एंड इट वॉज लाइबिलिटी लास्ट ईयर। वाई वॉज इट अ लाइबिलिटी लास्ट ईयर? बिकॉज लास्ट ईयर यू टुक मनी फ्रॉम पीपल विदाउट गिविंग देम सर्विस, इट इज अ हेडेक। ₹10 इज इनकम फॉर दिस ईयर एंड ₹7 इज लाइबिलिटी फॉर दिस ईयर, इनकम फॉर नेक्स्ट ईयर। वाई इज इट लाइबिलिटी फॉर दिस ईयर? बिकॉज हमने 7 रुपया लोगों से ले लिया विदाउट डूइंग एनीथिंग। इतना सबने लिख दिया, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट टू बी टेकन टू IND अकाउंट इनकम साइड। ये डेटा को यूज करके आपको एग्जामिनर को बताना है हाउ मच अमाउंट विल बी बुक इन IND अकाउंट इनकम। चलो सो लेट मी टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लुक एट दिस फॉर्मैट, दिस इज द फॉर्मैट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम, इनकम्स क्रेडिट, इनकम्स क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट साइड इनकमिंग एरो मार दिया यहाँ पे और मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैंक, क्योंकि लोग हमें पैसा देंगे। जो लोग हमें पैसा देते हैं ये साल, इट कैन बी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। इट कैन बी लास्ट ईयर्स मनी रिसीव्ड नाउ, इट कैन बी करेंट ईयर मनी रिसीव्ड नाउ, और इट कैन बी नेक्स्ट ईयर्स मनी विच इज रिसीव्ड नाउ। ऑल राइट, सो मैंने लिख दिया बाय बैंक और मैंने लिख दिया लास्ट ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट रुपीज दे दिया होगा। बाय बैंक 10,000, तो वहां पे आपको 10,000 लिख देना, यू कैन नॉट सेग्रीगेटेड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो भी इनकम हमें एडवांस में मिलता है आई कॉल इट हेडेक अकाउंट। वाई इज इट अ हेडेक? आई टेल यू वाई। अगर अभी आप क्लास में होते तो मैंने 10,000 कैश आपके हाथ में दिया होता, जो भी फर्स्ट बेंच पे बैठा होता, और मैंने बोला होता रख लो, आपको टेंशन नहीं आया होता? आया होता, बिकॉज आई इफ आई गिव यू 10,000 रुपी विदाउट यू हैविंग डन एनीथिंग फॉर मी, यू ओ मी 10,000। आपको मुझे कोई तो सर्विस, कोई तो गुड, या तो मेरा पैसा विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग फॉर मी इफ आई गिव यू 10,000 रुपी। ओके, तो इनकम इन एडवांस इज अ हेडेक, इट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज क्रेडिट, लाइबिलिटी इज क्रेडिट। एवरी वन, लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लास्ट लाइन। ये तो रूल आपको पता ही है ना? तो बोलो, जो मैंने सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऊपर लिखा है, ये कौन सा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है? ओपनिंग एडवांस है ये। और जो मैंने लिखा है टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यहां पे नीचे, मेरे को बताना ये कौन सा है? ये है क्लोजिंग एडवांस। जो भी इनकम अकाउंट होता है साल के एंड में उसका टोटल लिया जाता है एंड द टोटल इज ट्रांसफर टू IND अकाउंट। इसी के लिए मैंने इनकम अकाउंट डेबिट साइड लास्ट लाइन लिख दिया टू IND। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, वी विल सॉल्व 30-40 क्वेश्चंस और आपको ये फॉर्मेट बाय हार्ट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जितना समझ में आ रहा है आप समझ के लोगे और आप ये वीडियो को एटलीस्ट 3 टाइम्स इमिजिएटली आज के दिन ही देखोगे। राइट, ओके, हेल्प मी आउट, मेरे को बताना कि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना दिया था? 5 दिया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये देखो, ये रहा 5, कैन यू सी दैट?
तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे बताना कि बाय बैंक लास्ट ईयर का कितना रुपया ये साल मिला। द आंसर इज नथिंग, लास्ट ईयर का कुछ भी पैसा हमें नहीं मिला है। बट करेंट ईयर का हमें कितना पैसा मिला, 10 रुपी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा करेंट ईयर, करेंट ईयर का 10 रुपीज। एग्री। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का मुझे कितना पैसा मिला, 7 रुपया मिला नेक्स्ट ईयर का। तो मैं यहां लिख दूंगा नेक्स्ट ईयर 7। आउट ऑफ ऑल कितना रुपीज हमें मिल गया, 17 रुपए हमें मिल गए। एंड नाउ एवरीवन, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, जस्ट अभी हमने लिखा है। तो मैं लिख दूंगा क्लोजिंग एडवांस 7। इज दिस फाइन एवरीवन? तो अब मैं लेजर को टैली करूंगा और देखते हैं कि मेरा फिगर कितना आ रहा है। 17 प्लस 5 कितना होता है एवरीवन, 22। ये साइड पे कितना लिख दूंगा, 22। 22 माइनस 7 इज 15। 2 IND, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज रुपीज 15। अब करंट ईयर का 15 है मुझे पहले से ही मालूम था, क्वेश्चन देख के मुझे पता था। ध्यान से सुनो, आई एम टीचिंग यू हाउ। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताना, दिस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 5। इवन दो मनी इज रिसीव्ड लास्ट ईयर, इट पर्टेन्स टू दिस ईयर, सो एज पर एक्रुअल कंसेप्ट रुपीज 5 इज दिस ईयर इनकम। रिसीव्ड दिस ईयर कितना है, 10। खत्म ना, 5 प्लस 10 इज करेंट ईयर इनकम 15। सर फिर आपने इतना लेजर वेजर क्यों बना के सिखाया? एग्जाम में बाइफरकेशन नहीं दिया होगा, एग्जाम में डायरेक्ट डेटा दिया होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, यू हैव टू पुट इट इन लेजर एंड देन यू विल गेट द आंसर। इज दिस फाइन एवरीवन? सो लुक एट द स्क्रीन नाउ, 5 रुपी इज करेंट ईयर, 10 रुपी इज करेंट ईयर, 7 रुपी एंड 7 रुपी गेट्स नॉक ऑफ। सेम अकाउंट सेम अमाउंट क्रेडिट, सेम अकाउंट सेम अमाउंट डेबिट, गेट्स कैंसल्ड। तो 5 एंड 10 इज करेंट ईयर इनकम, 5 रुपी रिसीव लास्ट ईयर, 10 रुपी रिसीव दिस ईयर, बट दोनों यही साल का इनकम है। तो 15 रुपया हम IND अकाउंट इनकम साइड लेंगे, ना कि 17, ना कि 22, ना कि 10 और एनी अदर फिगर, विल टेक 15 रुपीज। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, गिव इट सम टाइम, दिस कंसेप्ट कैन बी ट्रिकी। और जब वीडियो लेक्चर देखते हो तो प्लीज क्लोज रूम में अकेले हेडफोन लगा के, ऑल राइट? सो प्लीज नोट डाउन द सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए अभी बनाया है। थैंक यू। राइट स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन नोट डाउन करने के बाद मैंने ये देखो यहाँ पे भी बनाया हुआ है सोल्यूशन अपने PDF PPT में। सोल्यूशन नोट डाउन करने के बाद आपको एक चीज याद रखनी है, जो 7 रुपी है ना, 7 रुपी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिस ईयर, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 7 दिखेगा और ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी में 5 दिखेगा। ये रहा ना ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ये 5 ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। डन। अब मैं जा रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, बोलो कहां जा रहा हूं मैं? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब कि पैसा आना बाकी है, डेटर, CCDD रूल, डेटर्स डेबिट, इट इज माई एसेट। सब्सक्रिप्शन लोगों ने अभी तक दिया नहीं है मुझे, मेरा पूल स्विमिंग पूल यूज किया, आई वॉज गुड इनफ टू अलाउ देम, 1 लाख रुपी दे हैव टू पे मी, 200 पीपल हैव टू पे मी 1 लाख रुपी, दे डिड नॉट पे। सो 1 लाख रुपी इज माई एसेट, इट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड लेटर ऑन, बट ये साल का मेरा इनकम हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहां पे देखो मैंने आपके लिए क्या छोटा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है। बोलो कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मींस रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस पेएबल सैलरी, आउटस्टैंडिंग फॉर इनकम इज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग फॉर एक्सपेंसेस इज पेएबल। डू नॉट गेट कंफ्यूज, यहां पे रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन है। बोलो तो कितना रिसीवेबल था लास्ट ईयर, रिसीव्ड दिस ईयर 3, रिसीव्ड दिस ईयर अर्नड दिस ईयर 10, आउटस्टैंडिंग मतलब कि येट टू बी रिसीव्ड दिस ईयर 4, यूजलेस पीपल 4 रुपए का स्विमिंग पूल यूज किया, पे नहीं किया हमें उन लोग ने। तो चलो ये सब लोग ने क्वेश्चन नोट डाउन किया, अब इसका मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। बोलो 3 रुपया क्या है, एसेट ऑफ लास्ट ईयर, इनकम ऑफ लास्ट ईयर, 10 रुपया क्या है, इनकम ऑफ दिस ईयर, और 4 रुपया क्या है, एसेट ऑफ दिस ईयर, इनकम ऑफ दिस ईयर। ये सब नहीं समझ में आया ना है तो इट्स ओके, डोंट वरी, यू विल गेट फुल मार्क्स। ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आइका लिसन टू मी, ₹3 है ना, ये लास्ट ईयर का इनकम है जो ये साल मिला, तो 3 को इग्नोर करना है। ये साल का इनकम कितना है, 10 रुपी जो मिल गया और 4 रुपीज जो नहीं मिला, टोटल इनकम 14 रुपी। टेल मी ये साल का इनकम कितना हो गया, 14 रुपी, 10 रुपी कैश, 4 रुपीज डेटर्स।
कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सही बात है कि नहीं एवरीवन? तो हमारा टोटल सेल्स, टोटल इनकम कितना है ये साल का? 40। आया समझ में? चलो अब मैं आपको इसके बेसिस पे लेजर बना के दे देता हूं। सो एवरीवन, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन नाउ, और मैंने आपके लिए लेजर फॉर्मेट बना दिया है। कैसे बना आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स, डेटर्स, डेबिट, तो ओपनिंग डेबिट पे मैंने ओपनिंग डेटर्स लिख दिया, यहां पे लिख देता हूं दिस इज माय ओपनिंग एसेट। ये ओपनिंग एसेट है, ये लोगों ने पैसा हमें दिया नहीं, देने वाले हैं। एंड अगर ओपनिंग एसेट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन आता है तो क्लोजिंग एसेट क्रेडिट साइड लास्ट लाइन, तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग एसेट। अगर फॉर्मेट समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू प्लस माइनस ऑल्सो, एंड वेन वी सॉल्व 30-40 क्वेश्चंस यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, आई प्रॉमिस यू, डोंट वरी, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके चलो, सो नाउ स्टूडेंट्स टेल मी कि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपया, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया? 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। अब बैंक का फिगर कितना है बोलो? 10 रुपया, 10 रुपीज इज इनकम फॉर दिस ईयर, बट एवरीवन ये साल हमें 3 रुपया भी तो मिला, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट ईयर का अपने को कितना मिला? 3 रुपया, और करंट ईयर का हमें कितना मिला? 10। सो टेल मी, आउटो कॉलम में कितना लिख दूंगा? आउटो कॉलम वी रिसीव 13 रुपीज। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? नो इश्यू एट ऑल? नाउ लेट अस टैली दिस लेजर एंड लेट अस सी कि मैं आईएनडी में कितना लूंगा। तो ये साइड का टोटल आ गया 17, ये साइड का टोटल आ गया 17 माइनस 3, दिस इज 14 स्टार। बोलो ये साल का कितना इनकम आईएनडी में ले लेंगे? 14, नॉट 13, नॉट 17, नॉट 10। इजी एवरीवन, मुझे पहले से ही पता है कि मैं सब्सक्रिप्शन 14 लूंगा, आपको बताता हूँ कैसे। बिकॉज इनकम अर्न ड्यूरिंग दिस ईयर 10, इनकम अर्न 4 बट नॉट येट रिसीव 4। सो रिसीव नहीं भी हुआ तो उसको क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट इनकम बोलते हैं ना, तो उसको आईएनडी में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? सो टोटल इनकम ऑफ दिस ईयर इज 14, 10 कैश 4 क्रेडिट, पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में हमने ये, राइट? और यहां पे भी आप लेजर देखो 3, ये देखो ये जो 3 है ना, दिस 3 एंड दिस 3 गेट्स कैंसल्ड, यू हैव 10 एंड यू हैव 4, दैट इज व्हाई योर आईएनडी फिगर इज कमिंग टू 14। Did you understand everyone? Now I am teaching you how to do plus minus, how to solve the same question using plus minus technique. ध्यान से सुन लो एवरीवन, जो भी आपके एग्जाम क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो एग्जाम में, सब्सक्रिप्शन ये आईएनडी अकाउंट में आता है ऑफ करंट ईयर 10 इनर कॉलम एट एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 4 आउट ऑफ कॉलम 14। इजी एवरीवन, नो इश्यू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 13, तो हम ऐसा लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव 13 एड आउटस्टैंडिंग 4 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3 एंड आउटो कॉलम, मेरे को बताना कितना रिकॉर्ड हो जाएगा? 13 माइनस 3 इज 10, प्लस 4 14। आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड किया और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने लेस किया। अब ये प्लस माइनस आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा यू कैन प्रिपेयर द लेजर विच विल गिव यू परफेक्ट आंसर इमिजिएटली, एज यू सॉल्व मेनी क्वेश्चन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। और हमने 2 मिनट पहले ये सॉल्व किया था, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अगर उन्होंने दिया होगा तो उसका कैसे हम सॉल्व करेंगे? प्लस माइनस टेक्निक यूज करके, ध्यान से देख लो, आप ऐसे सॉल्व करोगे उसको, सब्सक्रिप्शन एग्जाम में दिया होगा 17 रुपये मिले, राइट, लेस क्लोजिंग एडवांस, बोलो क्लोजिंग एडवांस कितना था? 7 एड ओपनिंग एडवांस। तो ये आपको बस याद रखना पड़ेगा कि क्या प्लस माइनस करना है। ओके बोलो 17 माइनस 7 10, प्लस 5 15, ऐसा प्लस माइनस से भी हम कर सकते हैं, बट अगर लेजर आएगा तभी तो आपको प्लस माइनस आएगा कि क्या कैसे करना है। ऑल राइट ठीक है, एंड नाउ स्टूडेंट्स लेट मी शो यू हाउ कंबाइंड लेजर विल लुक लाइक।
दिस इज कंबाइंड लेजर। तो जरा कंबाइंड लेजर को एक बार स्टडी करेंगे, लेट अस सी व्हाट दिस इज अबाउट। तो मैंने अगर आपको सारे फिगर्स एक साथ दे दिए, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो फॉर्मेट बस आपको याद रखना है, टेल मी स्टूडेंट्स ओपनिंग रिसीवेबल कहां पे रिकॉर्ड होगा। रिसीवेबल मतलब कि डेटर्स डेबिट साइड, और एडवांस क्या है, हेडेक, इट इज अ लाइबिलिटी। तो ओपनिंग एडवांस कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। ओके, अगर ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा तो क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड लास्ट लाइन, और अगर ओपनिंग रिसीवेबल डेबिट साइड पे तो वो रिकॉर्ड होगा उसका क्लोजिंग क्रेडिट साइड लास्ट लाइन। इज दिस फाइन एवरीवन? तो ऐसे आपको रेड ग्रीन फिगर्स लिख देने हैं। कलर स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलर स्कीम यू मस्ट फॉलो। अगर आपने कलर स्कीम के साथ नहीं लिखा तो पूरे नोट्स काटो और कलर स्कीम के साथ लिखो। मैं जो पेन यूज करता हूं आपको वही पेन यूज करना है। इज दिस फाइन एवरीवन? सो क्वेश्चन में उन्होंने ओपनिंग रिसीवेबल दे दिया 3, क्लोजिंग रिसीवेबल दे दिया 4, ओपनिंग एडवांस दे दिया 5 और क्लोजिंग एडवांस दे दिया 7। तो मैंने वो सारा डेटा प्लॉट कर दिया, और बैंक फिगर करंट ईयर कितना मिला 10, नेक्स्ट ईयर का कितना मिला 7, और लास्ट ईयर का मिला 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, 3, ये देखो कैंसिल करता हूँ, 3 यहाँ का और 3 यहाँ का कैंसिल हो गया, देन 7 यहाँ का और 7 यहाँ का कैंसिल हो गया। मतलब कि ये दोनों माइनस आइटम है, ये दोनों माइनस करने हैं आपको अगर आप प्लस माइनस टेक्निक यूज कर रहे हो। और क्या ऐड हो गया, 5 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ दिस ईयर एंड 5 सब्सक्रिप्शन अर्न, 4 सब्सक्रिप्शन अर्न ऑफ दिस ईयर नॉट येट रिसीव। तो 5 ऐड होगा, 10 ये साल का इनकम ऐड होगा, और 4 ये साल का इनकम अर्न नॉट रिसीव। 5 + 10 + 14, 4 is 19। तो टोटल मेरा IND अकाउंट में 19 रिकॉर्ड होगा। इज दिस फाइन एवरीवन? 5 + 10 + 4 = 19 is current year's इनकम। तो ये IND में रिकॉर्ड होगा। और अगर सेम आपको प्लस माइनस टेक्निक से चाहिए तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ, वो बस आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा प्लस माइनस का। ऑलराइट, ये देखो प्लस माइनस से कैसे करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में उन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन मान लो कि दिया हुआ है, इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट 10, 7 और 3, तो वो क्वेश्चन में आपको दे देंगे 20। तो आप क्या करोगे मुझे बताना, लेस ओपनिंग रिसीवेबल लेस क्लोजिंग एडवांस। बताओ ओपनिंग रिसीवेबल कितना है 3, और मुझे बताना क्लोजिंग एडवांस कितना है 7। सो 3 एंड 7 ये आप लेस कर दो, एड बोलो क्या ऐड करोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, सो ओपनिंग एडवांस, और क्या ऐड करोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग, सो क्लोजिंग रिसीवेबल, बोलना कितना है 5 एंड 4। 20 - 3 - 7 - 10 + 5 + 4 = 19। सब्सक्रिप्शन टू बी टेकन टू IND अकाउंट 19। तो ऐसा प्लस माइनस भी कर सकते हो। वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस एंड देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ द टेक्निक, रिलैक्स। अभी के लिए इतना नोट डाउन करके लो। क्या नोट डाउन करके लोगे, सब्सक्रिप्शन का कंबाइंड लेजर, और ये मैंने प्लस माइनस करके दिया है ना, ये पूरा प्लस माइनस नोट डाउन करो। हम और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ यही टाइप के, तो आपको इसका एक हैंग आ जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद सम एक्सरसाइज ऑन प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और मैं क्या करूंगा एवरीवन, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। आई विल प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर यू, ऑल्सो आई विल टीच यू प्लस माइनस टेक्निक। हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, एंड लेट मी सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस फॉर यू, एंड देन उसके आगे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो इसको कैसे सॉल्व करना है, दिस इज वेरी वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब मैं ये जो डेटा है, ये छोटा सा क्वेश्चंस का एक शीट मैंने बनाया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं जरा पुल आउट कर देता हूं अपने वन नोट में। एंड यहां पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि भाई मैंने आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, मैंने आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, ओपनिंग एडवांस दिया है, क्लोजिंग एडवांस दिया, और कितना हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला थ्रू बैंक अकाउंट, ये मैंने दिया हुआ है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द एग्जामिनर वॉन्ट्स अस टू
फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट इज टू बी टेकन टू आईएनडी, मतलब कि ये साल कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एक्रू हुआ है, ओके? जितना पैसा मिला दैट मे नॉट बी योर इनकम, राइट एवरीवन? क्योंकि कभी कभी हमें पैसा नहीं मिलता है और कभी कभी हमें पैसा एडवांस में मिल जाता है। तो आप लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे बताना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब कि लास्ट ईयर हमने अर्न किया है। सो दिस इज लास्ट ईयर, जो भी ओपनिंग होता है ये लास्ट ईयर का होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि रिसीवेबल, सही बात है कि नहीं? व्हाट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर रिसीवेबल, मतलब कि करंट ईयर लोगों ने हमारा स्विमिंग पूल यूज किया और हमें पैसे नहीं दिए। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग एडवांस क्या होता है मुझे बताओ? ये होता है लास्ट ईयर का, लोगों ने हमें एडवांस में पैसा दे दिया। याद आ रहा है आपको कि पेरेंट्स यूएसए में जा रहे हैं और अपने बच्चों का स्विमिंग पूल के चार्जेस हमें पे कर रहे हैं नेक्स्ट साल के। सो लास्ट ईयर का ये एडवांस है। और क्लोजिंग एडवांस मतलब कि करंट ईयर एडवांस, ठीक है ना एवरीवन? स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन लिखोगे ना तो जो मैं लिखता हूँ आपको भी लिख के लेना है। अपने लिए नहीं लिख रहा मैं, आई एम ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैं ऑलरेडी अकाउंट्स का एक्सपर्ट हूँ। आपके लिए मैं लिख रहा हूँ तो आपको ठीक से उसको लिख के लेना है। ऑलराइट, अब देखो मैं क्या करता हूँ। नाउ आई विल प्रिपेयर फॉर यू सब्सक्रिप्शन लेजर फॉर्मेट। ओके, ये रहा मेरा सब्सक्रिप्शन लेजर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने नीटली आपके लिए सब्सक्रिप्शन का लेजर फॉर्मेट बना दिया है। एंड नाउ आई विल राइट हियर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके, इनटू ब्रैकेट इनकम। बताओ एवरीवन, व्हाट इज द रूल? इनकम्स क्रेडिट, इनकम्स क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड इन एरो डाल दूंगा। ओके, तो इसका ये मतलब हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आपको भी डिटेल में फॉर्मेट बनाना है ठीक से। और यहाँ पे मैंने रुपीस लिखा, अमाउंट रुपीस लिखते हैं। चलो, सो एवरीवन मुझे एक बात बताना कि क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा। आई विल राइट हियर ऑन क्रेडिट साइड बाय बैंक। ओके, बाय बैंक। देखो स्टूडेंट्स, इनकम कैसे क्रिएट होता है, इनकम्स क्रेडिट। सो क्रेडिट साइड पे आपको पैसा मिलता है इसलिए आप वो इनकम रिकॉर्ड करते हो। तो हमें सब्सक्रिप्शन का बोलो कितना पैसा मिला, 6120। बट मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको फॉर्मेट बना के देता हूँ और फॉर्मेट बनाने के बाद हम वन बाय वन अमाउंट डालेंगे तो आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है? चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। मेरे को बताना कि डेबिट साइड पे क्या होगा। डेबिट साइड पे रिसीवेबल होगा, ओपनिंग रिसीवेबल विच इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो मैं डेबिट साइड पे लिखता हूँ टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना एवरीवन, ये मेरा ओपनिंग एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि अमाउंट रिसीवेबल है। ओके, सो टेल मी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 510। बट अब हम अभी नहीं लिखेंगे। अगर मेरा ओपनिंग डेबिट साइड फर्स्ट लाइन पे है तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट साइड लास्ट लाइन, सही बात है कि नहीं? तो मैं इमिजिएटली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड लास्ट लाइन पे लिख रहा हूँ, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनटू ब्रैकेट दिस इज क्लोजिंग एसेट। जब मैं एसेट लिखता हूँ तो बैलेंस शीट्स में आइटम अपियर होंगे। ओके, एक होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एक होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नाउ टेल मी और क्या है, ओपनिंग एडवांस है। तो एडवांस मतलब कि क्या है एवरीवन, एडवांस मतलब कि मेरा हेडेक। व्हाई इज एडवांस अ हेडेक? बिकॉज लोगों से पैसे ले लिए, उनको सर्विसेज अभी तक आपने दी नहीं, तो हेडेक हो गया ना भाई। सो एडवांस मेरा हेडेक है। तो जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड, इट इज अ लाइबिलिटी बाय ओपनिंग एडवांस, और इनटू ब्रैकेट में लिख देता हूं ओपनिंग लाइबिलिटी, ठीक है? तो अगर ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड पे आ गया, ये ओपनिंग एडवांस 400, 2 मिनट में लिखेंगे, तो क्लोजिंग एडवांस मेरा आ जाएगा डेबिट साइड पे टू क्लोजिंग
इनटू ब्रैकेट क्लोजिंग लाइब्रेरी। एंड ये जब लेजर हम टैली करेंगे तो मेरा स्टार फिगर क्या आएगा, आईएनडी अकाउंट एट ईयर एंड ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू आईएनडी अकाउंट, आई एंड ई अकाउंट स्टार फिगर। ऑलराइट, तो चलो स्टूडेंट्स मुझे फटाफट बताना कि मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 510। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 510, ये लिख दिया मैंने, इसको काट दिया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 630। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मैंने लिख दिया 630। ओके, देन मुझे बताओ कि मेरा ओपनिंग एडवांस कितना है, 400। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपनिंग एडवांस 400। अच्छा क्लोजिंग एडवांस मेरा कितना है, 500। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लोजिंग एडवांस 500, करेक्ट। और बैंक में कितना पैसा मिला, 6120। 6120, लोगों को क्या लगता है कि 6120 मिला ना, तो 6120 आपका इनकम है, रॉन्ग रॉन्ग। क्योंकि जो पैसा मुझे मिला है लास्ट ईयर का भी पेंडिंग होगा और साथ में अगले साल का एडवांस में भी मुझे मिल सकता है, राइट। सो टेल मी एवरीवन कि टू आईएनडी कितना स्टार फिगर आ जाएगा। देखो टैली करना तो बहुत इजी है, मैं दोनों साइड का टोटल लेके उसको टैली कर सकता हूँ, समझ में आएगा। सो टेल मी एवरीवन, क्रेडिट साइड का मेरा टोटल कितना आ रहा है, इट इज 400 प्लस 6120 प्लस 630, विच इज कमिंग टू 7150। ओके, अब 7150 में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1010, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7150। ओके, तो 7150 यहाँ पे आ गया, एंड 7150 माइनस 1010 इज 6140। सो एवरीवन, आईएनडी में मुझे बताना हम कितना स्टार फिगर ले लेंगे, 6140। दिस इज माई करेंट ईयर इनकम। अब मैं आपको एक्चुअल लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग को मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। मुझे बताना लास्ट ईयर लोगों ने हमें कितना नहीं दिया, 510। अगर लोगों ने हमें लास्ट ईयर 510 नहीं दिया, तो ये साल जब उन्होंने 6120 दिया उसके अंदर ये 510 इंक्लूडेड है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? सी 510 पीपल वर गोइंग टू गिव अस, दे डिड नॉट गिव अस। तो ये साल जो 6120 आया उसके अंदर 510 आया हुआ है ना, क्योंकि लोगों ने ये साल हमें पे किया। तो 6120 में से मैं 510 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, एंड ये साल लोगों ने कितना मुझे एडवांस दिया, 500। तो ये 500 इंक्लूडेड है 6120 में, तो यहां से और 500 में सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके मेरा असली बैंक का फिगर आ गया 5110। एम आई राइट विद दिस? तो ये हो गया ये साल का फिगर, ये साल का फिगर प्लस 400 रुपी प्लस 630 रुपी। ओके, क्योंकि 400 करंट ईयर इनकम है ना, इवन दो लोगों ने लास्ट ईयर दिया, बट 400 पर्टेंस टू करंट ईयर, 630 वी डिड नॉट रिसीव, बट इट पर्टेंस टू करंट ईयर। नाउ स्टूडेंट्स ऐड 400 प्लस 5110 प्लस 630, यू गेट 6140। आपका आया समझ में? इन एनी केस अगर आप ये लेजर बना सकते हो, यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई एम टीचिंग यू प्लस माइनस टेक्निक। अगर आप लोग को लेजर बनाना नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि लेजर बहुत लॉजिकल, बहुत रियलिस्टिक और बहुत इजी टेक्निक है। ओके, अब मैं आपको प्लस माइनस स्टेटमेंट बना के दे रहा हूँ। तो देखो प्लस माइनस स्टेटमेंट कैसे बनती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कि सब्सक्रिप्शन का फिगर कितना है, इट इज गिवन एज 6120। ओके, इन द बैंक देन एवरीवन लेस, बोलो क्या क्या लेस करना है मुझे 6120 से। मुझे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना होगा। ये देखो जो आइटम लेस करना है ना, मैं जरा उसको पिंक कलर में मार्क कर रहा हूं। तो ये 510 मुझे माइनस करना होगा और 500 मुझे माइनस करना होगा, ये करंट ईयर आइटम्स नहीं है। सो लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 510, उसके बाद में लेस क्लोजिंग एडवांस कितना है, 500। अच्छा जब भी हम नेगेटिव फिगर लिखते हैं ना, उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट मींस नेगेटिव फिगर। सो
मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। ओके एड एड बोलो क्या क्या ऐड करना है। मैं आपको येलो में हाईलाइट करके दे रहा हूँ जो चीज़ आप ऐड करोगे। ओपनिंग एडवांस आप ऐड करोगे और आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे। सो ऐड ओपनिंग एडवांस 400 बिकॉज ऑफ करेंट ईयर का है ना स्टूडेंट्स, इट पर्टेन्स टू करेंट ईयर। ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विच पर्टेन्स टू करेंट ईयर का आइटम है 630। ओके एंड देन यू हैव टू राइट आउटर कॉलम एरो एरो आउटर कॉलम 6140। टेल मी जस्ट कॉम्प्यूट एंड टेल मी वेदर आई एम राइट और नॉट। एंड ये जो मैंने बनाया है दिस इज अ छोटा सा स्टेटमेंट जो हम IND अकाउंट में बनाते हैं। तो एक इनर कॉलम है और एक यहाँ पे आउटर कॉलम है। ओके तो वैसे मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पे दे रहा हूँ। दिस इज आउटर कॉलम दिस इज इनर कॉलम। इज दिस ओके एवरीवन। तो कोई भी टेक्निक यूज करो आंसर आपका सेम आएगा। IND के अंदर आपको 6140 ट्रांसफर करना है। इज दिस फाइन। सो बैंक में हमें कितना पैसा मिला 6120 बट दैट डज नॉट पर्टेन टू करेंट ईयर, इट ऑल्सो पर्टेन्स टू अदर ईयर। तो हमने उसको एडजस्ट करके 6140 IND अकाउंट में हम ले लेंगे। तो ये है लेजर और ये है स्टेटमेंट टेक्निक। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। थैंक यू। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सब डेटा यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ टेल मी कि क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 350। तो पहले आपको एक पूरा फॉर्मेट फिर से बनाना है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 350, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है 370। तो यहाँ मैंने लिख दिया 370। याद रखना है एवरीवन, आउटस्टैंडिंग मतलब डेटर, डेटर मतलब कि डेबिट, और एडवांस मेरा लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज क्रेडिट। ओके चलो तो बताओ ओपनिंग एडवांस उन्होंने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 250। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 250 और क्लोजिंग एडवांस कितना दिया उन्होंने 270। यहाँ पे मैंने लिख दिया 270। ठीक है अच्छा, पैसा कितना आया 4200। फटाफट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4200। ओके अब स्टूडेंट्स हम क्रेडिट साइड का टोटल ले रहे हैं। ओके सो 250 प्लस 4200 प्लस 370, तो ये सब का टोटल मेरा आ रहा है 4820। 4820 इज द टोटल एंड 4820 मैं यहां पे भी लिख दूंगा। एंड 4820 माइनस 350 माइनस 270 अगेन आई एम गेटिंग 4200 ओनली। ओके तो यहां पे कोइंसिडेंस आ गया है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का टोटल सेम है और ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का टोटल सेम है, इसी के लिए हमारा आंसर सेम आ रहा है। मतलब कि जितना पैसा मिला उतना ही आपको IND में लेना है। इट इज अ कोइंसिडेंस, ये हर बार ऐसा नहीं होता। मैंने जानबूझ के ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनाया। चलो सो टेल मी, अगर हम डायरेक्टली IND में प्लस माइनस टेक्निक यूज करेंगे, एक तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस करते टाइम ना प्लस और माइनस का सिंबल नहीं डालना है, LESS और AEE लिखना, दैट इज अ प्रोफेशनल वे। तो चलो सब्सक्रिप्शन में कितना लिखूंगा, कितना मिला हमें 4200, दिस इज द बैंक फिगर। ठीक है देन लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है उन्होंने 350, लेस क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस उन्होंने दिया हुआ है 270। आपको समझ में आ रहा है ना एवरीवन कि जो ये साइड के आइटम है ये लेस करने हैं और ये साइड के आइटम है इसको ऐड करना है। देखो ना 4200, 250 एंड 370 ऐड हो रहा है। ठीक है वो लेजर को देख के हमें समझ में आता है कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे, बोलो ओपनिंग एडवांस कितना है 250 और क्लोजिंग एडवांस कितना है 370। राइट ये फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? या स्टूडेंट्स ये फिगर्स दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? सी 350 और 270 ये दोनों का टोटल हो गया, और 250 और 370 आप टोटल हो गए, तो योर टोटल विल कम टू 620। आपका टोटल आ जाएगा 620 एंड वापस से नीचे 250 और 370 का टोटल हो गया तो आपका टोटल आ जाएगा 620। एम आई राइट विद दिस?
ठीक है, ऑल्टेल में ऑटो कॉलम में कितना आ गया? द आंसर इज 4200. इज दिस एब्सोल्युटली ओके? ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करके दे देता हूं ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट का. मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन अभी पुल आउट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, तो पूरा फॉर्मेट हमारा क्लीन हो गया है. नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर यू. बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? ये देखो, ये रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 650, क्लोजिंग है 620. ओके, 650, 620. पहले फॉर्मेट बना देना है, फिर उसके अंदर सब्सटीट्यूशन करना है. अब मुझे बताओ ओपनिंग एडवांस कितना दिया हुआ है? 550. और क्लोजिंग एडवांस कितना दिया हुआ है? 520. ओके, अभी आप देखोगे ना तो दोनों का टोटल 1170 आ रहा है, मतलब कि 1170. तो वापस से वही चीज होने वाली है, जो बैंक फिगर है वही आपका आईएनडी फिगर होगा. तो ये देखो बैंक में कितना पैसा मिला, 7800. लिख दो यहाँ पे मैं, सो बैंक में आपको पैसा मिला, ब्लू इंक यहाँ पे लेनी पड़ेगी मुझे. बैंक में पैसा मिला 7800. इज दिस ओके एवरीवन? 8970 आ रहा है, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 8970. और 8970 माइनस 650 माइनस 520 वापस से मेरा आ रहा है 7800. और इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूंगा. करेक्ट, कोइंसिडेंटली हमारा सेम आंसर आ रहा है. तो अगर स्टेटमेंट बनाऊंगा तो बोलो एवरीवन सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट है? 7800 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 650 लेस क्लोजिंग एडवांस 520 एड ओपनिंग एडवांस 550 एंड एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 620 एंड आउट ऑफ कॉलम यू गेट द सेम आंसर अगेन, which is again coincident, 7800. it is a coincidence कि आपको सेम फिगर मिल रहा है. इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? काफी आसान था ये. तो तीन क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिए. एंड नाउ लुक एट द स्क्रीन, और ये सारे क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 11 ये पूरा आपको टेबल नोट डाउन करके लेना है. एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 2020 इज योर होमवर्क. 20 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. तीन हमने अभी कर दिए, 17 अभी आपको घर पे करने हैं. इसको फटाफट सॉल्व करो एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू व्हाट द आंसर्स आर. थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय.